नमस्कार, आप देख रहे हैं एरोलॉजिकल इंडियन और मैं हूं जुबी सिंह राठौर आपके समक्ष। आज मैं आपको जो खबर सुनाने जा रही हूं उसे सुनकर आपको राहत मिलेगी और खुशी भी, स्पेशली उन लोगों को जिनके रुपए हाउसिंग प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ के फंड की 6 नवम्बर 2019 को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी आईएफ में 10,000 करोड़ रुपए सरकार देगी, बाकी 15,000 करोड़ रुपए एसबीआई और एलआईसी जैसी अन्य कंपनियां उपलब्ध करवाएंगी। वित्त मंत्री का कहना है कि देश भर में 4.58 लाख घरों के 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, इनके लिए आईएफ से फंड मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सॉवरेन और पेंशन फंडों द्वारा पैसा लगाने की भी उम्मीद है। वित्त मंत्री के मुताबिक एनपीए घोषित हो चुके और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे प्रोजेक्ट को भी इस फंड का फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूले। आप जरूर बताइए कि सरकार की जो ये योजना है उससे आप कितने सहमत है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।